सो हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एंड द मैक्स स्टूडियो। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ रिप्ले मोड को कैसे यूज़ करें। अब आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा रिप्ले मोड क्या होता है। तो रिप्ले मोड एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक शॉर्ट्स बना सकते हैं, बहुत मस्त वीडियो उसकी मदद से बनती है और आपकी वीडियो में एक जान आती है उसकी वजह से। अगर आप लोगों ने देखना है कि कैसा होता है सिनेमैटिक शॉट और किस तरह की अच्छी वीडियो बनती है, तो आप लोग मेरी डिस्ट्रॉइंग हेटर सीरीज़ और मेरी एप्लीकेशन वीडियो पर फेक लापता SMP इनको देख सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रिप्ले मोड और FFmpeg, इसका भी मैं आपको काम बताता हूँ ये क्या करता है, उसकी भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए फर्स्टली आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सिंपल वीडियो रिकॉर्ड हो गई आपकी, आपने पॉज मेन्यू दबाने, यहाँ पे नीचे आ रहा होता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग। पॉज रिकॉर्डिंग वाला तब हाइड होता है जब स्टार्ट कर देते हैं, तब वो ऑप्शन जाहिर हो जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग के बाद आपने रिप्ले को खोल लेना है। अब आपके पास ऐसा है, आप अपने कैरेक्टर के ऊपर टेलीपोर्टेड होंगे। तो अब आपने फर्स्टली स्टार्ट अपनी वीडियो करनी है। ये नीचे वाली लाइन ये यहाँ से ही स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से करेंगे, आपका की फ्रेम अड़ा होगा। लाइक अगर तो मैं ओ दबाऊँ, ये आप पूरी चीज़ पढ़ सकते हैं कि वो नहीं चलेगा आपका। तो हमें इसको अभी क्लियर करना है। और ये एरो आता है टी दबा के कीबोर्ड पे, टी दबाएंगे ये एरो आ जाएगा 3 डॉट पे क्लिक, क्लियर की फ्रेम। यस, सारे की फ्रेम्स क्लियर हो गए। और अब इस एरो को हमने गायब करना है, इसको बंद, एस्केप दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, गायब। अब स्टार्ट से आपको वीडियो चाहिए, नहीं तो अगर आपको आगे कहीं से चाहिए प्ले करें एक दफ़ा वीडियो। लाइक अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे ला के ओ दबा दिया, कीबोर्ड पे ओ दबाएंगे, आपकी वीडियो टाइमिंग लग जाएगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ओ टाइम की फ्रेम। यहाँ पे दो चीज़ों का काम है, टाइम की फ्रेम और पोजिशन की फ्रेम। टाइम की फ्रेम आपका लग चुका है, अब पोजिशन की फ्रेम। अब मुझे फर्स्ट हमारा कैमरा एंगल चाहिए यहाँ पे, तो पहला आई दबा देंगे कीबोर्ड पे, हमारा पहला लग चुका है। ये इस तरह की ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, जिधर को आपने फेस करके लगाया ये उधर को फेस करेगा। वीडियो प्ले की। अब मुझे चाहिए जब तक मेरा करेक्टर यहाँ पे है, मेरा कैमरा एंगल यहाँ पे आ गया हो, तो यहाँ पे आए, दोबारा से आई दबा दिया, अब प्ले की, यहाँ पर आया तब तक मेरा कैमरा एंगल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आए, आई दबा दिया। और अब आप सोच रहे होंगे जैसे मेरे वीडियो के अंदर कहीं पे मैंने फास्ट बिल्कुल चलाया होता है, कहीं पे स्लो स्लो मेरा कैमरा मूव करता है, तो उसकी ट्रिक है। अब आपको फास्ट चाहिए, अभी के लिए ये नीचे आ गया मेरा, यहाँ पे था लास्ट, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे चाहिए, आई दबा दिया। अब आपको चाहिए यहाँ से जब आपका करेक्टर ऊपर आ रहा हो, आपका कैमरा एंगल फुल फास्टली यहाँ से इस की फ्रेम से यहाँ पे आ जाए। ये बाय द वे कैमरा है जो हमारे इसको साथ में घूमता आता है कि हमें पता चले इस तरह का हमारा कैमरा मूव होता हुआ आएगा, यहाँ पे आ जाए। तो मैंने अब करना है, थोड़ी सी वीडियो चलाई बिल्कुल जस्ट 1 सेकंड की, अभी यहाँ पे 7 सेकंड की थी, 8 की मैंने कर दी। और 8 सेकंड की करने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे आकर लगा दिया है एक और टाइम फ्रेम। अब जब ये रेंडर हो गई तो यहाँ से इस की फ्रेम से, इस टाइम फ्रेम से हमारी, इस टाइम फ्रेम पे कैमरा एंगल हमारा फुल फास्ट ट्रेवल करेगा। और उसके बाद अब हमें चाहिए जब तक हमारा करेक्टर यहाँ तक आए, तब तक अभी हमारा कैमरा एंगल सिर्फ यहाँ तक ही गया हो, इससे थोड़ी सी दूरी पर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो को चलाया, इतना चला दिया ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकेंड यहाँ पे। अब जब तक यहाँ तक आएगा हमारा करेक्टर, हमारा कैमरा एंगल इधर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरे से पार्कोर में, तो यहाँ पे अब मुझे चाहिए कि जैसे ये गिरा है, इसने ज़मीन को टच किया है, तो फर्स्ट तो मैं अपने इसको पीछे ले आऊँगा। ओके, सो ये पीछे आ चुका है, अब देखते हैं। सो ये यहाँ पे है तो मैंने इसके करीब ले आना है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। और अब मुझे थोड़ा सा चाहिए इसके साथ मेरा कैमरा एंगल नीचे जाए, तो उसके साथ नीचे आके एक और की फ्रेम, जैसे वो नीचे ड्रॉप हो गया की फ्रेम, और थोड़ी सी वीडियो चलाई
और यहाँ पे ऊपर आके एक दे दिया मैंने की फ्रेम। दोबारा ये की फ्रेम हमारा टाइम पोजीशन की फ्रेम है। टाइम की फ्रेम हमने सिर्फ दो ही लगाने हैं, वीडियो में ज़्यादा नहीं लगते। और अभी के लिए मैंने छोटी सी वीडियो एडिट की है और मुझे यहाँ तक वीडियो चाहिए, आगे का मुझे पूरा पार्ट नहीं चाहिए, वो ऐसे रिकॉर्ड हो गया। तो अब यहाँ तक वीडियो चाहिए जहाँ पर आपका आ चुका है ओदबाद या ये सेकेंड लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब फर्स्ट लाइन से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी, सेकेंड लाइन जहाँ तक है इसमें वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। अब आपने करना है ये मेमोरी कार्ड बना हुआ है इस पर क्लिक, आपका रेंडर की लोकेशन खुल जाएगी। ये आपके माइंड का फोल्डर में होता है, आपने आउटपुट फाइल पे क्लिक करना है और मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है और आप लोगों ने भी अपना चूज़ कर लेना फोल्डर और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फोल्डर चूज़ हो गया है। अब अपना वीडियो फ्रेम रेट आप 30 रखना चाहें 30 रख लें, नहीं तो मैं तो 60 पर रिकॉर्ड करता हूँ और 60 ही मैंने रखा हुआ है तो मैं तो 60 ही प्रेफर करूँगा। और वीडियो रेजोल्यूशन को 1920x1080p का रखें। अब मेन काम आता है, कोई भी लोग रेंडर पर क्लिक कर देते हैं, रेंडर होती नहीं है, एक एरर आ जाता है सामने। तो रेंडर के लिए फर्स्टली आपको चाहिए चीज़ जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, FFmpeg। अब उसका काम क्या है वो मैं आप लोगों को अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, आप सब जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसी फाइल में आएगा, इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया, आप इसका ये फाइल नेम होगा, आपने इस फाइल को करना है कॉपी, फाइल को कॉपी कर लेना। मैं इसका सिर्फ नेम कॉपी करता हूँ बिकॉज मुझे इसके नेम की ज़रूरत है। फाइल कॉपी, आपने जाना है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल x86। प्रोग्राम फाइल नहीं, सिंपल इसके साथ वाला प्रोग्राम फाइल ब्रैकेट में x86, इसमें जाना है और आपने इसमें पेस्ट कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी पेस्टेड है FFmpeg, लेकिन इसका अब नाम ये छोटा सा कैसे हो गया, तो इसका ओरिजिनली नेम जो होना है वो होना है ये। अब आपके पास इतना बड़ा नाम है, अब आपका इतना बड़ा नाम उसमें फिट नहीं आता तो आपने पूरे को कट करना है, सिर्फ इसका नेम में रहने देना है FFmpeg, एंटर कर देना है FFmpeg। इसको खोला बिन FFmpeg स्टार्ट वाला फर्स्ट, FFmpeg भी नहीं, FFmpro भी नहीं, FFmpeg में जाना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे इसकी लोकेशन, लोकेशन को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। लोकेशन अब आपने कॉपी कर ली, अब आपको माइनक्राफ्ट के अंदर उसी रेंडर पे जाना है, माइनक्राफ्ट को मिनिमाइज करना है, माइनक्राफ्ट को बंद नहीं करना। ओके सो गाइस, यहाँ पे आके आपको उसे पेस्ट करना है। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा पेस्ट कैसे होता है माइनक्राफ्ट में, तो Ctrl+V सिंपल अपने कीबोर्ड पे दबाएं, वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ सी प्रोग्राम फाइल से आएगा सिर्फ हमारा यहाँ तक FFmpeg/bin, यहाँ तक आएगा जहाँ पे इस टाइम पे मेरा ये है। अब इसके आगे आपको खुद कमांड टाइप करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कमांड, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने लिखना है /FFmpeg.exe, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी आप लोग दोबारा मैं आपको बता देता हूँ /FFmpeg.exe। आपने ये कमांड देनी है और रेंडर पे क्लिक कर देना है। Oh my God! Wow! आपकी रेंडर पे लग गई। अब आपको कैसे पता चलेगा रेंडर हो रही है, ऐसे शो प्रीव्यू पे चले जाएं, आपका कैमरा एंगल अगर मूव हो रहा है तो आपने वीडियो ठीक बनाई है, आपकी रेंडर हो रही है। अब मेरे 600 फ्रेम, आप जितनी लंबी वीडियो बनाएंगे उतने ज़्यादा फ्रेम हो गए और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे एक मिनट का टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे बहुत थोड़े फ्रेम थे, लेकिन कुछ वीडियोस में लाइक मेरे जो से डिस्ट्रॉइंग हेटर की वीडियो होती है, नहीं तो मेरी जो सी एप्लीकेशन वीडियो थी जिनमें भी मैं रिप्ले यूज़ करता हूँ, मेरी मामले उनमें 5000 से ज़्यादा रेंडर लगता ही है फ्रेम्स का। तो जितना ज़्यादा बड़े आप वीडियो रेंडर करेंगे उतने ज़्यादा फ्रेम्स और उतना टाइम लगेगा। तो अब मैं आप लोगों का वीडियो का रिजल्ट दिखाता हूँ कि वो कैसी बनी है वीडियो। ओके सो गाइस, रिजल्ट दिखाने से पहले आप लोग अब यहाँ से सीधा अपलोड ऑन यूट्यूब पे मत जाइएगा, मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं हूँ करता बिकॉज ये किसी काम का नहीं है, मैंने खुद आज तक इसे कभी यूज़ नहीं किया। आपने जो सा फोल्डर चूज़ किया या आप सिंपल माइनक्राफ्ट को मिनिमाइज करके या बंद करके उस फोल्डर में चले जाएँ या यहाँ पर क्लिक कर दें ओपन फोल्ड वीडियो फोल्डर, इस पर क्लिक किया वीडियो फोल्डर में हम पहुँच चुके हैं, तो वह आप लोग देख सकते हैं वीडियो।
ओके सो गाइस यही बनी है हमारी वीडियो, अभी मैंने बहुत छोटी सी बनाई है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, और तो और आई बटन पे भी मैं शो करवा दूंगा दोनों को। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।